गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ में जो पिछले 12 महीनों की बात करेंगे और पिछले लास्ट जो अभी जो बात करेंगे, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है कि पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स की बात करें, पिछले जो 6 महीने हैं उनकी करंट अफेयर्स बात करेंगे। स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और अधिक जानकारी और भी आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल जरूर करें। जनवरी से लेकर अगस्त तक की बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न और करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि फेसबुक ने हाल ही में किस देश का पहला इंटरैक्टिव गेम शो फैकल्टी लॉन्च किया गया है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भारत। इसका सही आंसर आपका भारत है। हम एक से लेकर 50 क्वेश्चंस करेंगे, जितना जल्दी है उनका जो सॉल्यूशन करेंगे, कम टाइम में सॉल्यूशन करेंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको सबसे लास्ट में अंत में बता दिया जाएगा कहाँ मिलेगी। पीडीएफ की बात करेंगे, जो पीडीएफ आपकी है वो आपकी सबसे पहले कहाँ मिलेगी उनकी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग किस साल तक देश में 660 जिलों में 6,500 ब्लॉक के पर मौसम का पूरा अनुमान जारी करने की क्षमता स्थापित करने वाली जो परियोजना है जो तेजी से काम कर रही है वो कब तक है? 2020, 2022, 2024 और 2025। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर 2020 तक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मंत्रालय के प्रावधान में चल रही जन शिक्षा संस्थाओं के अंतर्गत व्यवसायिक परीक्षण के ले रही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फीस माफ करने की जो है घोषणा कर दी जा रही है और जो दी है उनकी बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है जो कौशल विकास उद्यम मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय। इसका सही आंसर आपका एक नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बाजार आधारित व्यापार प्रणाली शुरू की है? आपका बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका। इसका सही आंसर है आपका क्या? आपका सही आंसर गुजरात। सही आंसर क्या है? गुजरात आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए, जो हाल ही में भारत सरकार एवं तमिलनाडु सरकार एवं विश्व बैंक ने तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण के साथ में समझौता किया है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 187 मिली डॉलर, 387 मिलियन डॉलर, 87 मिलियन डॉलर या फिर 287 मिलियन डॉलर। तो आपका सही आंसर है आपका डी। सही आंसर क्या है? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 69 प्रश्न है, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का नवा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? नीदरलैंड, जर्मन, जापान और स्पेन। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है आपका नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड है आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की गई है? भारतीय राष्ट्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है, इस विश्व भर की थीम क्या थी? 2019 की बात करें तो इनकी जो थीम के बारे में पूछा गया, इनकी थीम क्या थी? तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक है आपका वायु प्रदूषण, प्लास्टिक को रोकने वाले कचरों को समाप्त करना, एक विश्व स्तरीय पर्यावरण या फिर कृत्रिम लोगों के लिए जोड़ना। इसका सही आंसर है दोस्तों वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण इनकी थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव पारित करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 14 से 27 कर दिया गया? आपका राजस्थान या मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। इसका सही आंसर है एमपी। क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को भारत मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक चुना गया है? तो इसका सही आंसर है मृत्युंजय
मोहपात्रा, आपका सी है आंसू का बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में नौसेना ने किस देश में समुद्री डकैतियों को रोकने हेतु P-81 लॉन्ग रेंज मेरीटाइम लाइन्स एयरक्राफ्ट तैनात किया गया है? देखिए इसका सही आंसर है ओमान। सही आंसर क्या है? ओमान। तो आपको पूछा हाल ही में नौसेना में, तो ओमान देश। कौन सा देश? ओमान देश। निम्न में से किस देश में विदेश मंत्रालय में अपने वीजा नियमों को बदलकर, ये वीजा नियम का सबसे बड़ा है बदलाव करने के लिए वीजा आवेदन हेतु लोगों को अपना विशेष सोशल मीडिया का वितरण देने का प्रावधान किया गया है? भारत, अमेरिका, नेपाल, चीन। और आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अमेरिका है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या है? अमेरिका आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला जो 13 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में सामान्य प्राथमिक प्रणाली GSP के तहत किस देश के उत्पादकों को छूट या शुल्क में छूट आगे और जारी न करने की घोषणा की है? ये छूट से संबंधित सवाल पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए, नेपाल, चीन, भारत और उसके बाद पाकिस्तान, तो इसका सही आंसर है आपका भारत। क्या है? भारत आपका बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने निफाह वायरस, ये जो वायरस है बहुत ही संक्रामक वायरस, के बारे में पूछा गया है कि पहले जो संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? सही आंसर आपका केरल। सही आंसर क्या है? केरल आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या है? केरल। उसके बाद में हाल ही में किस देश की वेबसाइट के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसके अनुसार विश्व के शीर्ष 15 गर्म स्थानों में भारत के 8 शहर शामिल हैं? तो चलिए बताइए, 15 नंबर का सही आंसर है आपका सी। क्या सी? सही आंसर क्या है? सी है, eldorado.com। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी वायुजेट इंजन के प्रयोग हेतु मंजूरी दे दी गई है? देखिए, NS-32, QX-45, Dornier-228, Global-5000। तो इसका सही आंसर है AN-32। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में एक लड़ाकू विमान से संबंधित सवाल पूछा गया, लड़ाकू विमान से संबंधित सवाल पूछा गया कि किस लड़ाकू विमान को देश में निर्मित 500 किलो वजन की श्रेणी में गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया गया है? ये चार आपको ऑप्शन दे रखे, चारों में से आपका सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह सुखोई। क्या है? सुखोई है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में किस स्थान पर जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? दिल्ली, मेरठ, आलमगीर, उसके बाद में ओछरा। तो इसका सही आंसर है ओछरा। क्या है? ओरछा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली गई? यूक्रेन आप सभी को पता है, आप सभी का जानते हो इनके बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है वोलादिमिर ज़ेलेंस्की, ये आपका सही आंसर है। डी है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एचुरी एंड प्रोजेक्टिक्स 2019 द्वारा जारी मिड ईयर अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के बारे में देखिए, भारत की विश्व दर का अनुमानित कितना लगाया गया है? 7.1%, 7.4%, 7.6% या 7.7%? इसका सही आंसर है 7.1%। क्या है? 7.1%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो अमेरिका ने भारत और किस देश के साथ अपनी मुद्रा गिरानी सूची से बाहर कर दिया गया? फ्रांस, जर्मन, उसके बाद में देखिए आप स्पेन या स्विट्जरलैंड? तो सही आंसर है आपका स्विट्जरलैंड। सही आंसर क्या आपका? स्विट्जरलैंड है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो अगला जो प्रश्न है, नवनिर्मित सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्रियों में किस महिला को मंत्रियों में शामिल किया गया, यानी कितनी जो महिलाएं हैं उनमें शामिल की गई है? 2, 3, 4 और 5। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका 3 महिलाओं को शामिल किया गया है।
अगला है 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जल बोर्ड द्वारा जल संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो स्थापना की जो मंजूरी मिली है वो कहाँ मिली है, महाराष्ट्र या फिर आपका दिल्ली, केरला, पुडुचेरी। फ्रेंड्स 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका दिल्ली, क्या है, दिल्ली में मंजूरी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नवनिर्मित कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री आपको बताएं एस डॉक्टर जयशंकर को निम्नलिखित में से कौन सा संचार दिया गया, चाहे सूचना प्रसार, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय, तो इसका सही आंसर है विदेश, क्या है, विदेश मंत्रालय है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की जाएगी, देखिए नई दिल्ली, जालंधर, हैदराबाद या बरेली, सही आंसर आपका हैदराबाद, सही आंसर क्या है, हैदराबाद है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला 26 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागीरथी योजना शुरू की गई है, भागीरथ योजना है, सहभागिता योजना है, किस सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद में आप देखिए छत्तीसगढ़ या फिर देखिए उत्तर प्रदेश, तो इसका सही आंसर है यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेशन या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया गया, अमेरिका ने जो एक जो करेंसी होती है मुद्रा है उनके मुद्रा को छेड़छाड़ करने के लिए घोषणा की गई है, किस देश के साथ में, तो रूस, भारत, जापान या फिर चीन, सही आंसर आपका चीन, सही आंसर क्या, चीन ने अमेरिका के किस देश के साथ में जो करेंसी होती है करेंसी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में UGC की 542 बैठक का आयोजन किया गया, टी रामास्वामी, एन गोपाल स्वामी, अरुण सिंह या इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स इसका जो 28 नंबर प्रश्न का है एन गोपाल स्वामी, क्या है, एन गोपाल स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोटेरिस फिजिक्स, ये ध्यान रखना, इसमें देखिए यानी ICTP के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, इसका जो सही आंसर है आतिश दाबोलकर, क्या है, आतिश दाबोलकर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, चार ऑप्शन है, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, विराट कोहली, शिखर धवन, तो सही आंसर है विराट कोहली, क्या है, विराट कोहली। हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को 2019 का भारत रत्न से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर आप कह सकते हैं प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम या फिर आपका शंकर नारायण शर्मा, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी प्रणब मुखर्जी, सही आंसर क्या है, प्रणब मुखर्जी वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 भारत रत्न में संगीतकार के अंदर जो मरणोपरांत है वो किसे दिया गया है, आपको बता दें तो भारत रत्न 2019 में जो एक संगीत के क्षेत्र में जिसे मरणोपरांत दिया गया है, इसमें देखिए चार ऑप्शन है, हरिप्रसाद चौरसिया, अली अकबर खान, RD बर्मन या फिर भूपेंद्र हजारिका, तो सही आंसर है भूपेन हजारिका, क्या है, भूपेंद्र हजारिका को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खेल मंत्रालय ने सभी खेलों राष्ट्रीय खेलों के पुरस्कार में कितने जो सदस्यों की टीम का जो चयन किया गया है, 10, 11, 12 या फिर 13, तो इसका सही आंसर आपका 12, कितने, 12, 12 जो देखिए खेल मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेलों को सूचना जो पुरस्कार देने के लिए 12 सदस्यों की एक समिति का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका के बल्लेबाज का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास देने की घोषणा की गई है, हाशिम मामला, इमरान ताहिर, डेविड मिलर या फिर डैन प्रोटोरियन, तो इसका सही आंसर है हाशिम आलमाला, क्या है, हाशिम आलमाला यानी एक नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिनको हाल ही में
मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मणिपुर, ये बहुत ही चर्चा के अंदर रहे थे। जो केवल 9 वर्षीय एक बच्ची का नाम बताना है तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है एल गंबम वैली नीति देवी, आपका सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभ्यारण को बाघ के लिए संरक्षण देने की घोषणा, जो आरक्षित संरक्षण होता है देने की घोषणा दी गई है। तो ये जो है, ये जो अभ्यारण है वो किस अभ्यारण किस राज्य के अंदर है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को आरक्षित बाघों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 37 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के साथ में जो हैड इन हैंड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा और मेघालय के उमरोई में हुआ था, रूस नेपाल जापान, उसके बाद में आप देख सकते हैं जापान और उसके बाद में चीन। तो सही आंसर आपका चीन। क्या है चीन, चीन की राजधानी क्या है आप हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को किस महान स्वतंत्र सेना की जयंती मनाई जाती है। 23 जुलाई है उस समय पूछा गया कि कौन से महान स्वतंत्रता सेना की जयंती मनाई जाती है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु या राजप्रसाद बिस्ला। तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। क्या, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के किस महानिर्देशक का 72 साल की आयु में निधन हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है युकिया अमोना, अमोनो है, युकिया अमोनो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फीफा रैंक की जारी में विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान है, तो भारतीय फुटबॉल टीम का 103वां स्थान है। कौन सा है, 103वां। फीफा एक जो फुटबॉल संस्था है जो हर बार 3 महीने 6 महीनों के बाद में 12 महीनों में ये रिपोर्ट जारी करती है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सेना के बेहतर लेफ्टिनेंट कर्नल ज्वाइन किया और वे कश्मीर में 15 दिन की ट्रेनिंग प्रारंभ की गई, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, MS धोनी या फिर विराट कोहली। इसका सही आंसर है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। क्या आंसर आपका, थ्री आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस राज्य से है आप हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किस जिलों में कितने केस यानी POCSO एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और जहां पर एक स्पेशल कोर्ट बनाकर दिया जाएगा। ये जो है ये महिलाओं से संबंधित है। देखिए इसका जो सही आंसर क्या है आपका, 42 नंबर प्रश्न चल रहा है इसमें देखिए आपका 100, 200, 300 और 400, इसका सही आंसर है 100। क्या है, 100। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही बुरा समाचार है भारत के लिए। निम्न में से किस देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे प्रसारण दिवस के बारे में, 23 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई। सही आंसर है आपका 23 जुलाई। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न, भारत के किस संस्था के कॉलेज ने कृषि संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए एक स्मार्ट एग्री कॉप्टर जो तैयार किया गया बनाया गया है, तो ये IIT मुंबई, IIT कोलकाता, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर या IIT मद्रास। तो इसका सही आंसर है IIIT आपकी कौन सी है, मद्रास। कौन सी है, IIT मद्रास द्वारा घोषित किया गया और ये जो समस्या का निवारण करने के लिए एक संस्था द्वारा बनाया गया है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय नागरिक विमान मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के तहत कितने हवाई मार्गों को जोड़ा जाएगा, 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 8। क्या है आपका, बी है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2, क्या चंद्रयान 2 किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है आपका 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 22 जुलाई। ये आपका सवाल परीक्षा के अंदर पूछ लिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को निम्न में से कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो 18 जुलाई के बारे में पूछा गया, 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, रेस्टोरेंट चेन रवान भवन का मालिक का क्या नाम है जिन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है लेकिन उनका हृदय घात के कारण निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर है पी राजगोपाल, क्या है पी राजगोपाल है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न, एल एंड टी के चेयर ग्रुप चेयरमैन का क्या नाम है जिनका हाल ही में आईटी कंपनी माइडेटिंग के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है आपका एम एम नायक है। और आज का अंतिम प्रश्न है और उसके बाद में आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी उनकी हम चर्चा करेंगे। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सभा के केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2019 पारित करना पड़ा? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश से हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ फाइल ये आपके आंसर की आपके सामने है तो पीडीएफ फाइल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं मिले तो फ्रेंड्स यूट्यूब के वीडियो के नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा। और अधिक पेपर के लिए ऑनलाइन ऐप हमारा चल ही रहा है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट, और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कॉल बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री है, यहाँ पर भी आप वार्तालाप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो अच्छा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।